गौरव भाई यहाँ पे काफी मेहनत। हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमारे गौरव भाई काफी मेहनत कर रहे हैं, जो कि रास्ता पे जो बर्फ की मोटी पतली थी वो हटा रहे हैं। मतलब उस पर ना स्लिप कुछ ज्यादा ही थी दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे गौरव भाई अभी फोटोग्राफी करके आए थे खाना खाने के लिए, और वो अभी दोस्तों अभी क्या कर रहे हैं ना, टीन सेट के ऊपर बरसाती भी हम रख रहे हैं उसके ऊपर पत्थर, क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं छेद ज्यादा है तो पानी टपकता है अंदर। तो एक एक के पीर पछान काट कट के पाट बट की जान तू हर तेरा हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका स्वागत है उत्तराखंड के इस पावन धरती पर, और ऐसे ही बाबा जी सभी की यात्रा मंगलमय रखे, सभी की यात्रा खूबसूरत रखे, दुखों को दूर करे, श्री लोकपाल लक्ष्मण भगवान जी भी दूर करे, सभी की यात्रा सफल रखे। तो भाई मॉर्निंग का कुछ टाइम ऐसा है दोस्तों, आपका गुड मॉर्निंग करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, और आपको सभी को दिल से प्रणाम। मॉर्निंग का टाइम दृश्य ऐसा है, धूप ऐसी आ गई थी भाई, कल शाम को बारिश हुई थी 5 बजे तक, फिर अभी देखिए मौसम कितना क्लीन हो गया, क्लीन एंड नीट एंड क्लीन, और बर्फ़ भी कम हो चुकी है, बर्फ़ उधर साफ करी जा रही है, तो कुछ ऐसा है। और आज भी लेट उठना पड़ा ठंडी की वजह से, 8 बजे उठा, हाथ मुँह धो करके अभी यहाँ पर आया हूँ। अब कैमरा पकड़ के चलते हैं, काम पर निकलते हैं फटाफट। तो भाई आज संगतों की मात्रा थोड़ी कम जरूर थी, लेकिन जो प्यार होता है पूरे पंजाब से वो तो मिलता ही रहता है। वीर जी आए सुबह, फ़ोटो भी क्लिक कराए, भाई जी भी आए क्लिक करवाए, तो यहाँ पे मिलने भी आए, नंगे पैर आ रखे, ठंडा नहीं लग रहा आपको? डीजे था ही नंगे पैर आऊँ पूरी यात्रा ही है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो आशीर्वाद रहेगा बाबा जी का, प्रण लेकर के आए थे, बहुत बड़ी बात है। आपके व्लॉग देख के आया, हर व्लॉग आपका देखा, कैसे आप डेली अपडेट देते हैं वही देख के यहाँ तक आए, क्या सामान चाहिए क्या नहीं, अभी कैसा मौसम है सारा कुछ। तो भाई मतलब मानना पड़ेगा यार, आपकी कोई इच्छा होगी वो 100% पूरी होगी, आप इतने कठिनाई से आए, बर्फ में पता है हमसे 2 मिनट खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, बहुत अच्छा लगा। बाकी यार भाई जी है तो भाई जी उधर देखे, हाँ जी हाँ जी, तो ढूंढ रहे थे, हाँ तो सुबह सर भाई मतलब मिले मुझे सीधा, और बहुत अच्छा लगा कि यार मिल रहे हैं, संगतें आ रही है मिलने, पहले बाबा जी के मत्था टेकते हैं, अरदास फिनिश होती है, फिर टाइम होता है तो मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा था। और कुछ बोले सर? बस कोई बात नहीं, और वीर जी है कुछ भेजा उन्होंने। अरे अरे सर, उनका थैंक यू, उनका नाम क्या है सर? हरप्रीत वीर जी। हरप्रीत वीर जी थैंक यू सो मच, आप भी आइए दर्शन के लिए, आपको जरूर मिलूंगा, बाकी सभी भाई लोग हैं। तो कैसी रही यात्रा? बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू, थैंक यू वीर जी, थैंक यू सो मच, ऐसे ही सब कुछ ठीक होगा, बाकी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, थैंक यू। तो भाई अभी दिन का टाइम है, देखिए संगतें काफ़ी ठीक है, एवरेज एवरेज है परसों के मुकाबले, बाबा जी के दर्शन के लिए। इधर भी मौसम बिल्कुल क्लियर है, और बाकी यार सुबह से भाई लोग मिल रहे हैं, दौड़ भाग तो हो ही रही है, बाकी भाई आए हुए हैं यहीं पे मिलने आए हुए हैं, जहाँ पे मंदिर पे मैं धर्मशाला के पास रहता हूँ, भाई के पास आया था मैं, गौरव भाई से तो मिल के ही आना है। तो आप में सब जितनी भी संगत गौरव भाई से जुड़ी है ना, जितनी भी बच्चा बूढ़ा, एक बस ये कि आप ये गौरव भाई जो इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, हमारे लिए कर रहे हैं ना, हमें अपडेट दे रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं, तो हम भी इनके लिए कुछ करें कि हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ये करना है कि कब जब हम वीडियो देखते हैं ना, तो कई लोग होते हैं दो उस पर एड्स आती हैं, तो उसका थोड़ा सा गौरव भाई को बेनिफिट मिलेगा, तो जो कुछ एड्स होती है ना उनको आप पूरी देखें, उसको स्कीप ना करें, ये नहीं कि हाँ बार बार आ रही है तो आप स्कीप एक आधी, बाकी गौरव भाई को इतना करो कि यार कुछ इनको भी मिलना चाहिए YouTube से ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं गौरव भाई, और गौरव भाई का बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बस ये हमारे पर एहसान ही इनका समझ लो। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं गौरव भाई, और मेरी वाइफ का भी एक चैनल है, जैसे जितने हमारे पंजाबी लोग हैं ना, वो जितने भी हमारे पंजाबी लोग हैं वो उससे सीखेंगे, ज्योति एंड सनी व्लॉग के नाम से वो उससे सीखेंगे कि
घर में कैसे वो पंजाबी तरीके से खाना फटाफट बना लेती है, कैसे काम कर लेती है, बच्ची है मेरी वाइफ, मर में उसको लेके आया मेरी बिटिया 2 साल की। हाँ जी, बाकी उनको प्रणाम और आपके माता पिता को भी प्रणाम। बिल्कुल 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 भाई, बस मैं कह रहा हूँ बस गौरव भाई को सपोर्ट करना है, गौरव भाई को ऐसा लेके जाना है कि देखो चोटी दिख रही है ना, वहां तक लेके जाना गौरव भाई को कि हाँ भाई गौरव भाई छा जाए, अगली बार आए तो गौरव भाई हमें यहाँ का सुपर स्टार मिले। अरे नहीं नहीं सर, चलो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई, थैंक यू वीर जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो बस मेरी वाइफ की तरफ से आपको बहुत प्यार, उन्होंने बोला था कि गौरव किस दूर, पहले तो बाबा जी का दर्शन करना है, दूसरे जाके गौरव से मिलना ही मिलना, चाहे वहां तुझे रात रुकना पड़े। ठीक है जी, आप लोगों का प्यार है, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो भाई अभी थोड़ी सी बादल लग रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं चारों तरफ, चोटियों में भी आप देख सकते हैं, इधर भी सभी जगह, और संगतें इधर भी हैं उधर भी हैं सभी जगह पे, और फैमिली एक फैमिली है जो मिलने आई हुई है, माता जी अंकल जी सभी पूरी फैमिली आई हुई है, बच्चे भी आए हुए हैं, वीडियो नहीं देखते हैं लोग, है ना, मजाक कर रहा हूँ, वीडियो भी देखते हैं भाई, पूरी फैमिली। कैसा रहा सर सफर आपका, पैदल आए, पैदल आए, आए 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 आपके घर के आइए, क्योंकि बच्चे भी, क्योंकि आपका ब्लॉग बार बार देखते थे, इसलिए बच्चे ना रोज डेली देखते हैं, आप मोहाली से यहाँ तक, नहीं डेली देखते हैं, लंच खाने के साथ में ब्लॉग, बाकी बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर, सर भी आ गए, थैंक यू सर, थैंक यू, और सभी से मिलके बहुत अच्छा, हमको ये मिलता है, हाँ जाओ हिम्मत मिलती है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के, माता जी सभी से मिलकर के, बाय टेक केयर, अगली बार फिर मिलना, ठीक है मैम, ओके बाय। तो भाई टाइम कुछ ऐसा हो गया है कि सभी संगतें जाने के लिए हो रही है, और हमारी जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली, वहाँ से सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर से तो जा रहे हैं, जो रोपण सिटी से आए हुए हैं, मैम आई हुई हैं, सर आए हुए हैं, और फादर, पूरी फैमिली है ना सर, तो कैसे रहे आपके दर्शन, बहुत बढ़िया बड़े, आपकी गाइडेंस से आया हूँ, आपका व्लॉग देख के, सारे व्लॉग मैं रोज देखता हूँ। हाँ जी, और सुबह जब सर मिले तो बिल्कुल इमोशनल हो गए थे, और मैं भी खुद इमोशनल हो गया था सच में अंदर से, तो बहुत अच्छा लगा पूरी फैमिली से मिल करके, ऐसे ही आप आते रहे, बाबा जी के दर्शन करते रहो, बाबा जी ऐसे आशीर्वाद रखे पूरी फैमिली पे, थैंक यू वीर जी, थैंक यू सो मच आपको। तो भाई यहाँ पे अभी मैं बैठा हुआ हूँ धूप पे, तो कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे ना अपने SDRF के जो जवान हैं, आजकल उनकी ड्यूटी रहती है, उनका काफ़ी काम रहता है, तो अभी फटाफट संगतों को बस मैं यही निवेदन करता हूँ, क्योंकि मौसम होता है ख़राब, तो फटाफट आप 1:30 बजे निकलना शुरू करें, 1:30-2 बजे से पहले पहले जितनी जल्दी पॉसिबिलिटी हो पाए, आप ही के लिए अच्छा रहेगा, मौसम सही रहेगा तो बढ़िया रहेगा, तो ये चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ। बाकी ये देखिए मौसम कुछ ऐसा है, सरोवर भी धीरे धीरे दिख रहा है, तो भाई अभी फिर से मैं खाना खाने आ गया यहाँ पे, और संगतें यहाँ से अभी जा रही हैं, मौसम कुछ अभी ऐसा हो गया है, ठीक ठाक है मौसम, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, धूप है तो बस बर्फ़ जल्दी पिघल जाए, और कंडी से यहाँ से जाते हैं, क्योंकि जो पौड़ियों वाला रास्ता है वहाँ से काफ़ी भीड़ होती है, संगतें ज़्यादा होती है, बर्फ़ बस थोड़ी बची है, तो इसके बाद क्या होगा, जैसी बर्फ़ पिघलेगी यहाँ पे घोड़े खच्चर वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, पूरी फ्लावर्स होते हैं, ग्रीनरी होती है, और यहाँ पे कुछ कुछ इंसान इतने बेशरम है, ये लोगों को संगतों को देख रहा है, क्या कर रहा, धूप सेक रहा, तो इसकी थोड़ा तबीयत ख़राब है ना दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा धूप भी सेक रहे हैं, क्या हो रहा है, हेल्प नहीं कर सकता,
हेल्प कर। हेल्प खुद ही हेल्प चाहिए मुझे, मैं क्या हेल्प। कैसी हेल्प चाहिए, नीचे फेंक दे तेरे को। मेरे को अभी जूते नहीं लगा के, मैं तो कर देता। अच्छा चल ठीक है, बहाने। अच्छा जस्ट मैंने अभी खाना खाया ढाई बज चुके हैं, मौसम थोड़ा सा बदलाव हो रहा है और यहाँ पे मयंक के लिए खाना बचा नहीं है बेचारा, आज फिर से मैगी खा रहा है। ये खाना खोना नहीं बचा रहा है, गलत बात है इनकी। हाँ चश्मा पहन के, चश्मा पहन के पहले मतलब कुछ कस्टमर आए थे उनको दे दिया मैंने, तो इनके लिए बचा नहीं है। यात्रा पे आए हम तो चलो बना लेंगे, बहुत अच्छी बात है कि जो पहले यात्रा पे आए थके हुए उनके लिए खाना फिर हमारे लिए, तो ठीक है भाई। खाना हो गया था, पूरा हो गया था, बाकी मयंक भाई के लिए नहीं बचा तो मैगी खा रहा थी, वो बनाएगा। और यहाँ पे अपने राजन भाई ना बाहर पे देखे, बिल्कुल जो संगत है उनके लिए बर्फ़ तोड़ रहे हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो। जोर लगा के भैया खाली उसमें डाल रहा है यार, तू एक्टिंग कर रहे हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है सेवा भाव से कि जो भी यात्रा मार्ग है वो सुरक्षित रहे, सही रहे, दिक्कत ना हो। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, बाकी देखो लगभग रास्ता क्लियर हो चुका है, असंगतें अभी जा रही हैं। और अपने शेखर भाई तो भैया बारिश आएगी बर्फ़ आएगी वहीं रहना, ठीक है नीचे मत आना। हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमारे गौरव भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जो कि रास्ता पे जो बर्फ़ की मोटी पकड़ी थी वो उठा रहे हैं, मतलब उस पर ना स्लिप कुछ ज़्यादा ही थी दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे गौरव भाई अभी फोटोग्राफी करके आए थे खाना खाने के लिए, और वो अभी यहाँ पे थोड़ा ये बर्फ़ फैल साफ़ कर रहे हैं कि मतलब रास्ता वो थोड़ा ये है ना कि मतलब अभी संगत भी है यहाँ पे, उनको थोड़ा नीचे उतरने में इजी मतलब कुछ इजी फील होगा उनको। ओ भाई पत्थर फेंक के क्यों मार रहा है, चल अब इसको फेंक। ओ कमर दुख गई भाई पत्थर मारते मारते, सारी ये बेलचा मारते मारते, ये रहते कितना बड़ा वो है बर्फ़ का। ये भी फेंक दो, ओहो यहाँ तो तूफान भी आने लग गया भाई बड़ी जोर से, कहीं हमारे पंडित जी उड़ने ना लग जाए। हैं हैं पंडित जी उड़ने ना लग जाओ, इतने तूफान है। भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है ना जिंदगी का, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हाँ जी बोले सर। हाँ जी कैसे हो, बढ़िया है, ठंडा लग रहा है यार आज, कल से बहुत ठंड है ना बारिश के बाद। तो भाई आजकल आप बर्फ देख सकते हैं श्री हेमकुंड साहिब में पूरी हाफ हो चुकी है, ये भी जो बस 4-5 दिनों का काम है, हफ्ते भर का काम है, उसके बाद सारी चीज़ें पिघल जाएगी और रास्ता बढ़िया हो जाएगा। देखिए फिसलन भी कम है, सीढ़ियाँ से तो बिल्कुल नहीं है, उधर से थोड़ा बहुत है रास्ते से, बाकी सब कुछ अच्छा। अभी कोहरा भी लग गया है देखे चारों तरफ से, कल से जैसे बारिश हुई ना तो मौसम बड़ा ठंडा हो गया, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो कुछ ऐसा है। देखिए इधर भी आपको ना पहाड़ियाँ दिखेगी नहीं, जो चोटियाँ होती है, बाकी खूबसूरत नज़ारों के साथ कुछ ऐसा है। दोस्तों अभी क्या कर रहे हैं ना, टीन सेट के ऊपर बरसाती भी हम रख रहे हैं, उसके ऊपर पत्थर, क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं छेद ज़्यादा है तो पानी टपकता है अंदर, तो इस वजह से अभी मयंक जा रखा ऊपर वो करने, लगा दिया वैसे बरसाती लग गई है यहाँ पे हमारे इधर, क्योंकि आजकल थोड़ा हवा भी चल रही है ना, टीन उखड़ने का डर रहता है, पत्थर इसलिए हमने अटका के रखे हुए हैं। कुछ देर पहले मैं लाइव भी आया था, और जिन्होंने लाइव नहीं देखा वो देख सकते हैं कल के जो 16 जून का लाइव था, तो अभी मतलब अंदर ही थोड़ा रेस्ट करता, बोलते बोलते मैं थक गया था, आप सभी लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी अभी फिर से कोहरा आ चुका है और नज़ारा शाम का कुछ ऐसा है, ये देखे वाह, तो कुछ ऐसा है भाई मौसम अभी शाम का। और ताऊ जी यार काम पर ही लगे रहते हैं, मतलब हम ही कर लेते हैं कभी कभी थोड़ा बहुत जितना भी हो सके, हम बोलते हैं कि हम खुद कर लेंगे, नहीं ताऊ जी तो मानते ही नहीं है, बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं जबकि इसने खुद पिघल जाना है बर्फ़ ने कुछ दिनों में। ये देखो इतना साफ़ कर दिया,
और कल मेरा यार यहाँ पे ना पैर फंस गया जमीन के अंदर। तो यहाँ पे देखो बर्फ साफ हो रही है। करो 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 करो, अभी हम भी करते हैं थोड़ा देर। तो फिलहाल कुछ देर में करता हूँ मैं बात, फटाफट थोड़ी हेल्प कर देता हूँ ताऊ जी के बर्फ़ साफ करने में, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो भाई मौसम कुछ ऐसा है, और ऐसे मौसम में ना मतलब कुछ चटपटा खाने का, कुछ मीठा खाने का मन करता है जो यहाँ मिलता नहीं है। गोविंद धाम से तो भाई गांगरे से हमने दोस्तों को फ़ोन किया, कोई आने को तैयार ही नहीं हो रहा जिनके घोड़े भी हैं यहाँ पे। तो रसगुल्ले मंगाने की सोच रहे हैं, रसगुल्ले के डब्बे, क्योंकि किसी ने ट्रीट भेजी यार मैम का, थैंक यू सो मच कि उनको पता है यहाँ पे है बोल। तो रसगुल्ले जो है ना अभी मंगाएंगे, अभी फ़ोन करेंगे, मंगाएंगे 2-3 डब्बे। बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे, 8-10 दोस्त हैं सबके लिए, और मैम का थैंक यू सो मच, उन्होंने ट्रीट भेजी है, और बाकी छाता भी मंगाने के लिए बोला है, दवाई भी। तो सब कुछ मैं लेकर के गोविंद धाम गांगरे से मंगाऊंगा फटाफट से, आज कल आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो कल परसों एक दो दिन में आ ही जाएगा। बाकी यार सरोवर कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो सरोवर में देखे पूरी जो पहाड़ियाँ हैं, जो 7 चोटियाँ हैं, 7 चोटियों में 3-4 चोटियाँ तो दिख रही है देखे। काट कट के पाट पट की जान जाबो कर तारा प्रजा कर तब दे पारा जब आ कर कर तू कब हो तुम मैं मिल चौके कर कब हो तो भाई यहाँ पे ना स्पीकर लगा हुआ है, तो यहाँ पे सुनते आते हैं, जैसे शॉप में जाएंगे हम अभी। तो ये रास्ता देखे भाई कितना खतरनाक, चलते हुए गिर गया था अभी मैं। कुछ ऐसा है भाई, मौसम बहुत ही प्यारा अभी हो रखा है, और कल तो हम रसगुल्ले खाने वाले हैं। अगर रसगुल्ले मिलेंगे तो गांगिरा गोविंद धाम में बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी देखिए जो केनी आती है ना, तो नेपाली भाई लोग अपने ऐसे सार करके लाते हैं ये देखो। और आज तो ये दुकान बनाने पे लगे थे, क्योंकि क्या हुआ ना आजकल जो बर्फ़ के जो सपोर्ट था, बर्फ़ तो पिघल चुकी है, और ये पूरा ऐसे ढलान में ऐसे ढाल बना करके आया हुआ था। तो अभी उन्होंने पूरा टेक वगैरह लगा करके बढ़िया करके उसको सेट कर दिया शॉप को। शेखर भाई तो चढ़े हैं भाई बिस्तर में, क्या कर रहा, क्या सामान आया? सेटलमेंट करेंगे, थोड़ा रसगुल्ले मंगा दे यार भाई धांग दे से। आने वाले हैं रसगुल्ले। अरे मजाक नहीं कर रहा मैं, सही मजाक भाई, गजब कर रहा है इस ठंडे में काम तो है। क्या कर कपड़े तो पहन नहीं रहा, तब बोल रहा खांसी हो रही, दवाई ला। टूट गई थी आज, इसलिए हमने पूरा खोला दोबारा बनाया, इसलिए अभी ये कूड़ा ज्यादा है तो इसको। चलो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई यार ऐसे ही। और दोस्तों मैं आपको यहाँ से चढ़ के थोड़ा दिखा देता हूँ नज़ारा नीचे का, कुछ नज़ारा ऐसा है नीचे का, ये देखो पूरे पहाड़ों का नज़ारा खूबसूरत सा कुछ ऐसा है। बाकी गोविंद धाम पता नहीं कब जाना होगा कब नहीं जाना होगा, आजकल ऐसे ही हो रहा है। बाकी पहाड़ियाँ, फूलों की घाटी की पहाड़ियाँ, रास्ते आजकल ना वैली ऑफ फ्लावर में भी खूब सारे लोग आ रहे होंगे ये देखिए। तो भाई फिलहाल ऐसे ही है, दुकान तैयार होने के बाद अभी ये खाना वगैरह बनाएंगे भाई लोग, और रसगुल्ले मंगा दिए हैं मैंने बहुत महंगे हैं रसगुल्ले, 500 रुपये का डब्बा, तो 2 मंगाए हैं क्योंकि हम भाई लोग बहुत हैं, 15 तक होंगे, सबको खिलाएंगे, और मैम का थैंक यू। और फिलहाल कुछ ऐसा है, अभी जो है कीर्तन चल रहा है, सुन सकते हैं आवाज़। तो भाई अब थोड़ी हल्की बरसात का भी मौसम है, तो छाते की भी नीड है, छाता भी मंगवा लिया है मैंने। फिलहाल दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में संगतों के साथ। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय मानंदा देवी, जय हनुमान जी, जय लोकपाल महाराज की।